नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोविंद सैनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज काफ़ी सारी बातें आपको शेयर करनी है, काफ़ी सारी बैंजो की टेक्निकल नॉलेज, बैंजो की टेक्निकल जानकारी आप सबको बतानी है। जो भी मेरे भाई बैंजो सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें और सुनें। जैसे कि अभी हमने किया है ये सी शार्प पे टोन किया है, आपको पता ही है। और ये सागा पासा पे मैं मिलाता हूँ झाले को और सुरमंडल को। पहली वीडियो में भी बताया है, सारे गामा पादा नि सारे गामा से मिलाते हैं। और मतलब जिस स्केल से आप बजाना चाहते हो, जैसे दूसरे काले से बजाना चाहते हो तो सुरमंडल को दूसरे काले में भी मिला सकते हैं, तो तीसरे से बजाना चाहते हो तो सुरमंडल को तीसरे काले से भी मिला सकते हैं, अलग अलग हिसाब से। जैसे कि बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि हमारा सातवें बटन का बैंजो है सातवां सा बजाते हैं, तो बैंजो कहाँ से मिलाएं, तीसरा काला हमको सातवें बटन से ही प्रैक्टिस है। तो उनके लिए मैं शेयर कर दूं, जैसे कि अगर आप सातवें बटन को सा बनाते हो, एफ शार्प बनाते हो, तो ओपन तार बी बी पे किया जाएगा। ओपन तार जो है, ओपन तार बी पे टोन किया जाएगा, खाली बी पे मिलाना है, यानी कि कोमल नी पे। और फिर ये सातवां बटन आपका एफ शार्प हो जाएगा। वैसे मैं तो ओपन ओपन सी शार्प पे ही मिलाता हूँ, इसको टोन अच्छी आती है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमको स्केल का बजाने का बड़ा चक्कर होता है, जैसे कि जैसे एफ से बजाना है यानी कि शुद्ध गा से, तो ऐप से तो हमको आदत नहीं है, तो उनके लिए भी ये जानकारी दे दूं। फिर इसको जैसे किसी को पांचवा बटन इसका जो है, ये पांचवा बटन जे जो इसका एफ शार्प है, तो इसको एफ बनाना है, तो ओपन तार इसको सी पे कर सकते हो। आप सी पे कर लोगे तो ये एफ बन जाएगा इसमें, लेकिन टोन आपकी थोड़ी सी लो हो जाएगी, उतनी अच्छी नहीं आएगी एफ पे करने से। और ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन मेरे लिए मेन बात है टोन, टोन अच्छी चाहिए, तो फिर मैं टोन से कभी समझौता नहीं करता। तो और कई लोगों ने कहा कि बैंजो कैसे सीखें, रनिंग कैसे बजाएं, तो उनके लिए भी मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि कोई भी आपको रनिंग बजानी है, जैसे कि पास करना है इसको, तो जैसे ये देख रहे हो आप, अभी तो इसको मैं स्लो में बजा रहा हूँ, जैसे इसमें ये वाली उंगली भी आप अगर यूज करो तो ज्यादा अच्छा है, मैं तो यूज करता ही हूँ। जैसे ठीक से देख रहे हो ना आप, जैसे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपका हाथ बहुत ज्यादा जल्दी तैयार होगा। जैसे कि ये करके दिखा देता हूँ, जैसा ये है। और इसे जैसे दरबारी के सुरों में हम बजा रहे हैं इसको, इसी को भैरवी में भी बजा सकते हैं, इसको यमन में भी, इसको मतलब बिलावल में भी, सारे शुद्ध सुरों में भी, मतलब ये सारे गामा पादा निसा सारे गामा पादा निसा दोनों ऑक्टिव का रियाज करना है आपको। जो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं वो इसी चीज़ की करता हूं, और जो मैं खुद की प्रैक्टिस करता हूं वो ही मैं सभी को बताता हूं, क्योंकि मेरे अंदर कोई कोई भी किसी के लिए इलविल नहीं है कि मैं किसी और चीज़ का रियाज करूं और अपने स्टूडेंटों को कोई और चीज़ बताऊं। तो सभी अच्छा बजाएं तो मुझको क्या फ़र्क पड़ेगा, तो यही है मेरा मतलब। जैसे भैरवी में जैसे
जैसे ये आपने देखा, और जैसे जी है सारेगामा पधनिसा, इस तरीके से दोनों ऑक्टेवों का रियाज करना चाहिए, क्योंकि जब हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो यहाँ की तो प्रैक्टिस हमको उंगलियों में होती है बजाने से, यहाँ से आराम से बजा लेते हैं, तो ऊपर की कोई ऊपर का पार्ट होता है तो उसको बजाते हैं तो या तो ऊपर के हाई ऑक्टिव में मतलब फंसती है उंगली, या नीचे की ऑक्टिव में फंसती है उंगली, तो हमको लो ऑक्टिव और हाई ऑक्टिव दोनों ऑक्टिवों की प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है, और ये दोनों की प्रैक्टिस करो आप, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और पलटे में शेयर करता रहता हूँ आपके लिए। और भी जैसे कि आपको बताया मैंने, तो ये खाली एफ पे मिलाना है, तो वो सॉरी खाली सी पे मिलाना है, तो सी माने शुद्ध नी, और फिर ये एफ हो जाएगा। तो जैसे डी पे कोई गाना चाहते हो तो डी खाली जब सी पे मिलाओगे तो डी जे हो जाएगा, एफ जे हो जाएगा, जी जे हो जाएगा, तो अपने हिसाब से आप मेंटेन भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी टोन आपके लिए सही नहीं मिलेगी सी पे मिलाने से, तो कोशिश करो सी शार्प पे ही आप टोन करें, और एफ शार्प और एफ ये बना लें, ये जैसे ये एफ हो गया शार्प, जैसे ये एफ हो गया, तो एफ एफ से प्रैक्टिस कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बजाई, मैं भी कोशिश ही करता हूँ एफ से ही बजाऊँ ज़्यादातर, तो और भी जैसे ई से भी बजा सकते हो आप, जैसे कि बहुत से ऐसे राग हैं, रागेश्री गोरख कल्याण या और भी बहुत से राग हैं जिसमें नीचे का धैवत नहीं मिलता है, जैसे अहिर भैरव, तो राग का फील नहीं आता, तो दूसरे काले को जहाँ भी आप कर सकते हो, मतलब तीसरे बटन पे मिला सकते हो दूसरे काले को, तो इसलिए तो आप और भी बहुत सारी आपको जानकारी देता रहूँगा मैं, बहुत अच्छी अच्छी, तो आप यहाँ से भी बजा सकते हो, यहाँ से भी बजा सकते हो, जैसे कि दूसरे काले से, इस तरीके से आप बजा सकते हो, और रनिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, और पीस वर्क भी कैसे बजाना है वो सब आपको पता ही है, और जैसे कि जैसे कि अब मेजर कॉर्ड बजा रहे हैं हम, तो जैसे ये है, ये अभी माइनर में मिला हुआ है, तो एक लीड, एक सेकंड, जैसे ये मेजर में माइनर में मिला हुआ है, इसको मेजर कर लेंगे, जैसे कि अब मेजर का राग बजाना है, तो
जैसे कि ये मेजर का है, और मेजर की भी एक्सरसाइज जैसे रनिंग के लिए किसी को बजाना है, ये आप इस तरीके से बजा सकते हो। और भी आपके लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।